Hey everyone, this is Atharv and you are watching Astrogazer. Well, आज के इस वीडियो में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं इस सोलर सिस्टम के रिंग्ड प्लैनेट यानी कि सैटर्न को। मैं पिछले 1.5 साल से एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने न जाने कितने ऑब्जेक्ट्स कैप्चर किए। मैंने प्लैनेटरी से लेकर डीप्स का ऑब्जेक्ट्स तक सारे ही कैप्चर किए हैं और मैंने इन दोनों में एक अंतर समझा है। अगर हम लोग बात करें डीप्स का ऑब्जेक्ट्स की, तो डीप्स का ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को नॉर्मली कुछ सेकंड्स के एक्सपोजर लेने पड़ते हैं, तब जाकर हम लोग सिंगल फ्रेम में कुछ डिटेल्स देख पाते हैं। बट प्लैनेटरी बिल्कुल डिफरेंट है। प्लैनेटरी में हम लोगों को वीडियोज लेने पड़ते हैं और उन्हें स्टैक करने के बाद हम लोग डिटेल्स ला सकते हैं। तो आज हम लोग कैप्चर करने वाले हैं प्लैनेट सैटर्न को, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन पे है और ये सबसे बेस्ट टाइम है प्लैनेट सैटर्न को कैप्चर करने का, क्योंकि वो हमारी नाइट स्काई में काफी ज्यादा ब्राइट होता है और हमारी अर्थ के काफी ज्यादा करीब भी होता है। तो रात होने के करीब 2 घंटे बाद अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्काई में देखते हैं तो आपको 40 डिग्री के आसपास एक ब्राइट स्टार देखने को मिलता है। असल में वो कोई स्टार नहीं बल्कि प्लैनेट सैटर्न है, जो कि इस वक्त अपने ऑपोजिशन पे है। जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के ऑपोजिट में होता है तो उस पर प्रॉपर सनलाइट पड़ती है, जिस वजह से हमें नाइट स्काई में प्लैनेट्स काफी ब्राइट दिखते हैं। और इस टाइम सैटर्न भी अपने ऑपोजिशन पे है, इसलिए ये हमें काफी ब्राइट दिखता है। और ऑपोजिशन के वक्त सैटर्न या कोई भी प्लैनेट अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है, तो ये इन्हें ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। वैसे नाइट स्काई में और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सैटर्न से भी ब्राइट हैं, बट फिलहाल हमें सैटर्न को ही कैप्चर करना है। तो मेरे साथ आप भी सैटर्न को कैप्चर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आप लोगों ने अभी अभी देखा कि प्लैनेट सैटर्न हमारे नाइट स्काई में काफी अच्छे ऑल्टीट्यूड पे आ चुका है और इस वक्त अगर हम लोग इसकी इमेजिंग करते हैं तो काफी सारी डिटेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सरफेस डिटेल्स और रिंग्स की। तो अब कैप्चर करने के लिए मेरे पास है 5 इंच का टेलीस्कोप, बट इसमें एक चीज की कमी है। फिलहाल जो मेरा टेलीस्कोप है वो प्रॉपर कॉलिमेटेड नहीं है, इसके वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लर इमेज मिले, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी इमेज निकाल पाऊँ। और इस चीज की मैं गारंटी भी देता हूँ कि जो मैंने अभी प्रीवियस इमेजेस निकाली है सैटर्न की, उससे बेटर इमेज आपको इस बार देखने को मिलेगी। तो दिल थाम के बस रिजल्ट का वेट करिए। वेल, इसके पहले मैंने जब भी किसी प्लैनेट को कैप्चर किया है तो उसके लिए मैंने यूज किया है एक स्मार्टफोन को और 6mm या फिर 4mm की आईपीस को यूज करके आपको प्लैनेट्स के व्यूज दिखाए हैं। बट इस बार मेरे पास एक नया इक्विपमेंट है जिससे हम लोग प्लैनेट की अच्छी खासी डिटेल निकाल सकते हैं, और वो है एक प्लैनेटरी कैमरा जो कि है ZWO-ASI-224MC। और इस प्लैनेटरी कैमरा की हेल्प से आज हम लोग सैटर्न की सरफेस डिटेल्स भी कैप्चर करने वाले हैं। और देखा जाए तो प्रीवियस इमेजेस के कंपैरिजन ये चीज हमारे लिए एक नई चीज होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्लैनेट सैटर्न की सरफेस डिटेल्स को कैप्चर नहीं किया था, बट आज के इस वीडियो में मैं वो भी करने वाला हूँ। और इस प्लैनेटरी कैमरा के साथ मैं यूज करने वाला हूँ एक 2x बार्लो लेंस जो कि सिलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर किट में आती है और ये हमारी मैग्निफिकेशन को डबल कर देगी। तो यहाँ पे है मेरा टेलीस्कोप और ये रहा प्लैनेट सैटर्न हमारे फ्रेम में। आप लोग देख सकते हैं जो सैटर्न की डिटेल्स हैं वो कितनी अच्छी आ रही हैं। एक मिनट मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको और भी अच्छे से दिखेगा। ये देखिए सैटर्न कितना प्यारा लग रहा है। कॉलिमेशन के वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ये लाइट दिख रहा होगा, वो कॉलिमेशन के वजह से है, क्योंकि अभी मैं मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसका कॉलिमेशन फिक्स कर सकूँ, तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करना पड़े। तो वो तो करना ही पड़ेगा। स्टैकिंग के बाद जो इमेज आएगी उसमें ये जो लाइट है ना वो रहेगी, तो इमेज तो अच्छी आएगी, सैटर्न अच्छा दिखेगा, बट इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं हटा दूंगा और इमेज जो है वो काफ़ी क्लियर आएगी, क्योंकि जो सैटर्न की रिंग्स हैं और डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं इस इमेज में। और आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, बस एक ही चीज़ की कमी है, थोड़ा डिस्टॉर्शन भी है स्काई में, उस वजह से भी दिक्कत आ रही है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कॉलिमेशन की है।
सो मैं सैटर्न को करीब 45 मिनट से ट्रैक कर रहा हूँ और 45 मिनट्स में मुझे 10 वीडियोस के आसपास मिल चुके हैं और अब मुझे उनमें से कुछ बेस्ट वीडियोस को सिलेक्ट करके उन्हें स्टैक करना है। और इस बार क्योंकि मेरा टेलीस्कोप थोड़ा सा अनकोलिमिट था जिसके वजह से यहाँ पर लाइट थोड़ी बहुत स्कैटर होती हुई दिख रही थी हम लोगों को लाइव व्यू में, तो आई थिंक स्टैकिंग के बाद भी वो एरर तो आना ही है, तो उसको हटाने के लिए मैं एडोब फोटोशॉप का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। तो मैंने लगभग 10 वीडियोस कैप्चर किए थे जिसमें से 2 वीडियोस कम सही थे और 8 वीडियोस मुझे बेटर लगे, इसलिए मैंने इन्हें स्टैकिंग के लिए चूज़ किया। तो सबसे पहले मैं इन्हें पिप से अलाइन करूँगा। अलाइनमेंट होने के बाद मेरे पास ये आउटपुट आया है, तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। वैसे ये वीडियो सेंटर्ड वीडियो है ताकि स्टैकिंग के समय दिक्कत ना हो और ये 49 मिनट्स का एक्सपोजर है और इसका मतलब ये है कि हमें अच्छी डिटेल्स देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को ऑटो स्टैक एट 4 में स्टैक करने के बाद जो स्टैक्ड इमेज आई उसे मैंने रजिस्टैक 6 में प्रोसेस किया और थोड़ी शार्पनिंग और प्रोसेसिंग के बाद मुझे कुछ ऐसी इमेज मिल रही थी जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि सैटर्न की डिटेल्स तो अच्छी थी बट उसके आसपास लाइट स्कैटर हुई थी जो इमेज को खराब कर रही थी। तो मैंने इसे ठीक करने के लिए यूज़ किया एडोब फोटोशॉप को। सो लेट्स सी कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। तो ये रहे वो रिजल्ट्स जो मैंने इस बार ऑपोजिशन में कैप्चर किए हैं। तो चलिए एक एक करके सारे रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये है स्टैक्ड फाइल जो कि मुझे 25,000 या 26,000 फ्रेम्स को स्टैक करने के बाद मिली है और इसमें आप कॉलिमेशन एरर को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम फर्स्ट रिजल्ट को देखेंगे जो मैंने रजिस्टैक 6 से प्रोसेस किया है। इसमें आप सैटर्न की सरफेस डिटेल्स को भी देख सकते हैं और जब मैंने इस इमेज को एडोब फोटोशॉप में प्रोसेस किया तो मुझे ये बवाल रिजल्ट मिला। लिटरली मैं इस इमेज को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि ये मेरी अभी तक की सबसे क्लियरेस्ट इमेज थी सैटर्न की। इसमें आप क्लाउड बैंड्स और कैसिनी डिवीजन को भी इजीली देख सकते हैं। वेल, शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो तो मैं उन्हें बता दूं कि सैटर्न की रिंग्स लगभग अर्थ के पैरेलल हो चुकी हैं और 2025 में ये एकदम पैरेलल हो जाएंगी और उस टाइम सैटर्न की रिंग्स टेम्परेरीली डिसअपियर हो जाएंगी। इसके बाद सीधे 2026 में ही सैटर्न की रिंग्स ठीक से विजिबल होंगी। वेल, मैंने इन इमेजेस को भी फोटोशॉप का यूज़ करके प्रोसेस किया है और इनमें भी आप सरफेस डिटेल्स क्लियरली देख सकते हैं। वेल, इन सारी इमेजेस में से मुझे तो ये इमेज सबसे बेस्ट लगी। आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।